साथ पारुल शर्मा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर किसानों द्वारा डासना से मेरठ तक निकाली गई पदयात्रा। मोदीनगर तहसील के गांव कलचीना में डासना से चली आ रही किसानों की पदयात्रा का रात्रि विश्राम हुआ, जिसमें दूर दूर से आए किसान व उनके सहयोगी विभिन्न पार्टियां विभिन्न संघ के लोगों ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का व साथ चलने का वादा किया। कलचीना गांव में किसानों की इस महान पदयात्रा की अध्यक्षता ग्राम प्रधान पति हाजी आरिफ एडवोकेट ने की तथा मंच का संचालन मास्टर इरफान ने किया। किसानों ने हमदर्द तेजपाल चौधरी ने सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि सभी किसानों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, जिससे किसानों की माता कहे जाने वाली जमीन को उनसे अलग न किया जाए। किसान नेता सत्येंद्र तोमर ने कहा कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के प्रति आंदोलन किया था और उन्होंने कहा जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई ने किसानों के लिए आंदोलन किया, उसी प्रकार हमें भी इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पूर्व विधायक पंडित सुदेश शर्मा ने कहा कि यह आंदोलन पिछले 24 दिनों से चल रहा है, जिसके शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अगर कोई भी पार्टी का आदमी, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, वो आपके बीच आकर खड़ा होता है और आपके आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, तो आप दोबारा भी उसी को चुने और उसी को नेता बनाएं। अतुल प्रधान ने बताया कि हमारी इस पदयात्रा में सभी पार्टी व सभी संघ के लोग हमारे साथ हैं। सभी किसान भाई, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हों, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सभी लोग हमारे साथ हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में लड़ने के लिए तैयार हैं। गांव कलचीना में हजारों की तादाद में किसानों से इस पदयात्रा का स्वागत किया। मोदीनगर से मोहन लाल की रिपोर्ट। एक जगह बहुत कम दिया जाता है, 2700, 2800, 2600, 2500, और एक एक गांव में चार चार तरह के मुआवजे हैं। पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये जो बीच में दीवार की तरह खड़ी कर दी जा रही है, चीन की दीवार की तरह, हम लोग चाहते हैं, यहाँ के किसान चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि भाई सर्विस रोड जो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रोजेक्ट के साथ साथ ये तैयार किए कि पूरे सर्विस रोड मिलना चाहिए, एक मांग सर्विस रोड की है। इसके अलावा 17 मांगे अलग अलग हैं जिन पर शासन प्रशासन को पूर्व में अवगत करा दिया गया है। यहाँ पर तमाम संगठनों के, तमाम पार्टियों के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग अलग अलग जगह से आकर इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। आज यात्रा का दूसरा दिन है, सब लोग उत्साहित हैं मेरठ कमिश्नर ही पूछने के लिए, और हम इस आंदोलन को 2 तारीख तक को या 3 तारीख तक के लिए नहीं है, ये तब तक का है जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। अगर आपकी समस्या का समाधान, किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता, तो भावी कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, भावी कदम ये होगा कि किसी भी सूरत में इस हाईवे पर काम होने नहीं दिया जाएगा। हक मान रहे हैं, अरे हमसे तो हमारी जमीन छीन गई, क्या उसका हमें उचित मुआवजा भी नहीं मिले? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? साथियों, हमें सिर्फ अपनी मांग इतनी है कि एक समान मुआवजा मिले, हमें एक समान, कहीं पे 5,000 और कहीं पे 25,000, ये जो राजनीति हो रही है इसको खत्म किया जाए और हमारी जमीन का हमें उचित मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U News को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।